कभी टाइम मिला, कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उनको मिल सकूं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दैट वॉज द गोल्डन इंसिडेंट इन माई लाइफ, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं मेरे फिटनेस आइकॉन के साथ मिल सकूं। You cannot connect the dots by looking forward. You can only connect them by looking backward. दोस्तों, स्टीव जॉब्स की ये पावरफुल लाइंस मेरे लिए मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी पाथ फाइंडर बनी है। दोस्तों, कोई भी नई चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारे फेल्यूर्स हमें फेस करने पड़ते हैं, पर उस चीज़ में जब हम सक्सेसफुल होते हैं तब हमें पता चलता है कि वो सारे फेल्यूर्स, वो सारे ऑब्स्टैकल्स हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बने हैं। इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। ये सब बताने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके कैसे मैं अपने फिटनेस आइकॉन, जो कि 6 times मिस्टर इंडिया, 5 times मिस्टर महाराष्ट्र और 2 times मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, मिस्टर संग्राम चौगुले, उनसे कैसे मिला और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शेयर। अगर आपको इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू से ही फिटनेस में मैं काफी इंटरेस्टेड रहा हूं। 2011-12 से मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ। मेरे लाइफ में फिट बॉडी फिट माइंड ये मेरा मंत्र है और उसका क्रेडिट जाता है मिस्टर संग्राम चौगुले इनको, क्योंकि उनको देख के मैं मेरे अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की। उनके लाइफ स्टोरी से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उनका करियर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से स्टार्ट किया। उसके बाद में एक एक स्टेप वो आगे चलते गए, सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें हासिल की, क्योंकि उनके पास लगन थी और बहुत बड़ा गोल अचीव करने का जुनून था, जज्बा था। तो इसके लिए ही मैं उनको अपना फिटनेस आइकॉन मानता हूँ। दोस्तों, कभी भी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार आज वर्कआउट मिस करते हैं, आज थोड़ा पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो उस वक्त मैं संग्राम जी की, संग्राम दादा की लाइफ स्टोरी सामने लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास फिजिक बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितना डेडिकेशन और कितना डिसिप्लिन लगता है। तो इस सब बहुत बढ़िया वैल्यूज़ के आधार पर मैं उनको अपना फिटनेस आइकॉन मानता हूँ। तो शुरू से ही मुझे उनको मिलने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। उस आदमी के लाइफ स्टोरी सुन के मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। वो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पायरिंग लेजेंड है। मेरी बर्निंग डिजायर थी कभी टाइम मिला, कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उनको मिल सकूं। दोस्तों, ये बात है 2016 की, जब मैं पासपोर्ट निकालने के लिए पुणे सिटी गया था। उस वक्त हमारे सिटी में पासपोर्ट निकालने की सुविधा नहीं थी, तो मॉर्निंग में ही मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया और उधर बहुत ही क्राउड थी। आपको पता है पासपोर्ट निकालने के लिए बहुत क्राउड रहती है, बहुत बड़ा वेरिफिकेशन भी होता है, 3-4 लेवल का वेरिफिकेशन होता है। तो मैं 1st, 2nd, 3rd लेवल तक गया, 3rd वेरिफिकेशन मेरा हो गया और उसके बाद में मैं 4th वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहा था। मैं एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसी वक्त मेरे पीछे से एक आदमी आगे चले गए, टी शर्ट में, जीन्स में थे, बहुत बढ़िया मसल थी और लंबे बाल थे। और उसी वक्त मुझे क्लिक हुआ, ही इज योर फिटनेस आइकॉन, नन अदर देन मिस्टर संग्राम चौगुले। आई वॉज रियली हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं मेरे फिटनेस आइकॉन के साथ मिल सकूं और वो भी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। फट से मैं उठा, हमेशा मेरे पास एक डायरी रहती है, डायरी निकाली, पेन निकाला और उनकी तरफ गया और उनके पास मैं गया और बोला, संग्राम दादा, You are my fitness icon. I started my fitness journey only because of you. क्योंकि मेरा ये गोल है कि हमेशा फिट रहना फिजिकली और मेंटली। मैं आपको बहुत सालों से मिलना चाहता था, पर पता नहीं था आप इधर मिलोगे। Just smile and reply. जब भी हम कोई भी चीज़ को अपने पूरे दिल से चाहते हैं
तो एक प्राकृतिक शक्ति, एक यूनिवर्सल पावर आपको मदद करती है वो चीज़ हासिल करने में, वो गोल अचीव करने में। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट वॉज द गोल्डन इंसिडेंट इन माई लाइफ। क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपना करियर छोटे सिटी में स्टार्ट किया था और उसके बाद पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ वो आगे आके गए। दोस्तों, हमें बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल करनी होती है। द रीज़न व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंसेस इज बिकॉज इफ़ यू कम टू नो द रियल पावर ऑफ यूनिवर्स, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चले, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है वो पता चले, तो आप आपके लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। संग्राम चौगुले, उनको मिलना मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि शुरू से ही मैं फिटनेस में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहते हो अपने डिज़ायर, अपने गोल्स पाने के लिए, तो आपको तीन चार चीज़ें काफ़ी बारीकी से समझनी होगी। पहली, बी क्लियर। सेकंड, यू हैव टू हैव दैट बर्निंग डिज़ायर। थर्ड, फीलिंग्स। फीलिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, इमोशंस आर रियली इम्पॉर्टेंट। और फोर्थ चीज़ है एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैं बताया था कि कनेक्टिंग द डॉट्स, जब भी हम कोई भी छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो एक कनेक्टिंग डॉट्स की तरह वर्क करते हैं एक बड़ा मैनिफेस्टेशन अचीव करने के लिए। क्योंकि आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, आपको पता चलता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करना है। काफ़ी लोगों को ये एक्सपीरियंस, ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी काफ़ी छोटी लगेगी, पर आपको ये समझना होगा छोटी मैनिफेस्टेशन के साथ ही हम बड़ा मैनिफेस्टेशन अचीव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था द सेम थिंग, आपको पहले छोटे मैनिफेस्टेशन के साथ काम करना होगा और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बड़े मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करना होगा। तो ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी, हाउ आई मेट माय फिटनेस आइकॉन यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उनके साथ जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना है, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है और जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आपके गोल्स अचीव करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप बिलीविंग, मैजिक विल हैपन।